आज हम बात कर रहे हैं इसके सिलेबस पे, हम लोगों की बात होगी स्पेशली कि आईएएस में सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। इस पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। प्लान फॉर आईएएस तो हम लोगों ने किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आईएएस में सिलेबस क्या क्या है, वो भी इंटेंसिव नहीं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, ठीक है, आईएएस में ऑप्शनल क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आईएएस का जो एग्ज़ाम है टू स्टेज में जो मेनली होता है, एक होता है पीटी और एक होता है मेंस, और उसके बाद तीसरा स्टेज एक होता है इंटरव्यू। तो आज हम बात कर रहे हैं पीटी और मेंस की। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपको, उसमें भी दो पेपर होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। एक सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट कहते हैं उसको, CSAT, सी सेट। और दूसरा पेपर होता है GS, जनरल स्टडीज। ये पीटी के पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पीटी के इन दोनों पेपर में क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई कर जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको मेंस में मौका मिलता है मेंस लिखने का, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जीएस का पार्ट है, एक सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको स्पेशली पढ़ना है, ये एक एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग और लॉजिक से रिलेटेड है, कि साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है, आप कितना साइंटिफिक हैं, आप कितने रैशनल हैं अपने लाइफ में, आप कितना डिसीजन साइंटिफिकली ले सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप घर में हैं और मम्मी खाना बना रही है और अचानक मेहमान आ गए, और मेहमान आ गए अचानक और मम्मी को किसी पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ा कुछ खास कारण से, तो आप कैसे मेहमान से टैकल करेंगे। ये चार ऑप्शन है, मतलब ये कोई बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता, सी सेट का पेपर बिल्कुल लॉजिकल होगा। अब आपके पास मैं ऑप्शन देता हूँ कि उस मेहमान को आप पानी बनाएंगे, चाय पिलाएंगे, और ना आपके पास चाय है, ना दूध है, ना पानी है, तो आप किस तरह से, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। मतलब ये मैंने जो एग्जांपल दिया है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब वो बिल्कुल एप्टीट्यूड है, वो आपके लॉजिक से, आपके रैशनलिटी से, आपके साइंटिफिक सेंटिमेंट से, कि आप किसी भी चीज को कैसे टैकल करते हो। कि अब जैसे मान लिया आप एक टीचर है, सपोज, और टीचर है और बच्चा क्लास में आपसे पूछता है कि सर ये बात हमने नहीं समझा, ये टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं आप हमको नहीं समझ में आती है, और वो टॉपिक आपको भी नहीं आती सही से, मान लीजिए। अब इस सिचुएशन में टीचर क्या करे। अब चार सिचुएशन है आपके पास, चार ऑप्शन दिए गए हैं एग्जाम में दिए जाएंगे। पहला, टीचर उसको बच्चे को डांट के कह देगा बीच में मत टोका करो, कोई सवाल मत करो, ये ऑप्शन है। दूसरा, शिक्षक कहता है कि कोई प्रश्न ना करो, उससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तीसरा, सी ऑप्शन में शिक्षक गुस्सा हो जाता है। चौथा, शिक्षक कहता है मैं बाद में समझ के आपको समझा दूंगा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, लास्ट वाला, ठीक है, इसमें कोई इज्जत नहीं जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसको पढ़ के बाद में समझ के आपको समझा दूंगा, इसका सही उत्तर सी सेट का एप्टीट्यूड टेस्ट का यही होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कोई पहले से बना बनाया आपके पास कोई टेस्ट नहीं होगा कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, इस तरह का कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। सपोज कि आप जिस एरिया में रहते हैं और आप आईएएस कर जाएंगे, डीएम बन जाएंगे या एसपी बन जाएंगे, वहां पे दो समूह के बीच लड़ाई होती है। अब दो समूह के बीच लड़ाई होती है, वहां के आप एसपी हैं और वो एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं, आप कैसे समझाएंगे, ये कम्प्लीटली आपके लॉजिक पे। इसीलिए आपको इस तरीके से एग्जाम का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर तैयार किया गया ताकि आपको उसके एबल, उस
उसको उसके लायक बनाया जा सके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जीवन में जब आप न्यूज़पेपर पढ़े, जब आप कोई भी चीज पढ़े, आप बिल्कुल कॉन्शियस होकर के, अवेयर होकर के आप रहेंगे और उसकी तैयारी आप करेंगे। और जाहिर सी बात है कुछ बेसिक भी है, कुछ उसमें इंग्लिश के भी स्ट्रक्चर आते हैं, उन सबको भी आप ले करके। दूसरा पेपर है पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जीएस का पेपर है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करेंट, साइंस, इन सारी क्या कहते हैं पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और ये कभी ट्रेडिशनल टाइप का भी होगा, अप्लाइड भी होगा, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे करेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए भाई एनसीईआरटी पढ़ना जो बता रहा हूँ और बहुत सारे जो बेसिक बुक्स हैं उन सबको भी आपको ले करके चलना है। मेनली हम लोग मेंस की बात कर रहे थे, तो मेंस में स्पेशली आपको क्या करना है उस पर हम बता रहे हैं कि अब जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस के लिए आपको पहला पेपर होता है एसए का, निबंध। वो आपको निबंध लिखना है। अब आप निबंध जो है ना हर एक एस्पेक्ट पे होता है, 250 नंबर का होता है ये निबंध। जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है, किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर के आप तैयारी करेंगे तो एक पेपर निबंध होता है। फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज का होता है। सेकंड पेपर में जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, ठीक है, ये भी 250 नंबर के होते हैं। इसमें आप देख लीजिए कंटेंट क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में और भूगोल के बारे में आपको इस पेपर में आंसर करना है, 250 मार्क्स का है। तीसरा पेपर जनरल स्टडीज का ही होता है, जो सेकंड पेपर हुआ जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज के चार पेपर टोटल, एक एसए के 5 पेपर हो गए, ठीक है। तो तीसरा पेपर आपका जनरल स्टडीज का 250 मार्क्स का, आप ऐसे समझिए जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, और एक पेपर एसए का, ठीक है। तो 5 पेपर का नंबर कितना हो गया, 1250, 250 तो 1250 हो गया। सेकंड पेपर को जो है इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमको पढ़ना होता है। पेपर थर्ड जो जनरल स्टडीज का है, आईएएस का पेपर 4 और जनरल स्टडीज का पेपर 3, इसमें आपको पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पेपर 4 जो जनरल स्टडीज का है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये भी एथिक्स से रिलेटेड है, मॉरलिटी से रिलेटेड है कि आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए किस सिचुएशन में, ये है, ये चार पेपर हैं। उसके बाद दो पेपर जो है ना ऑप्शनल होते हैं आपके, 1250 नंबर के हो गए, दो पेपर और हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एक सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आपका बीएससी या बीए का हो, वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं एमए या एमएससी का, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने बीए किया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से और आप फिजिक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आपने बीएससी एमएससी किया है और अगर आप सोशियोलॉजी लेना चाहते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो सोशियोलॉजी लेकर के भी आईएएस कर सकते हो, हिस्ट्री लेकर के भी, मतलब कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं, प्रेशराइज नहीं है कि यही सब्जेक्ट जो आपने, हो सकता है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपने भूल से पढ़ लिया और आपको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर ये भी 250 मार्क्स के और सेकंड पेपर इसके सिलेबस अलग है। तो ये मैं एक जनरल आउटलाइन बताया हूँ, अभी सिलेबस को मैं इंटेंसिव तरीके से, इंटेंसिव स्टडी हम बाद में करेंगे। तो एक जनरल, तो आप ये समझिए कि टोटल कितने पेपर हो गए, पहला पेपर एसए का, 4 जीएस का और 2 ऑप्शनल का, टोटल 7 पेपर हो गए। 7 को 250 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 1750, ठीक है, 250 से मल्टीप्लाई किए, 250 से 7 को, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, 275 नंबर का, 1750 को 275 नंबर से जोड़ दीजिए,
तो ये है कुल मिलाकर के आईएएस का एक आउटलाइन, मैंने एक ब्रीफ बताया आपको, और नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली आईएएस में, आईएएस के जो पेपर हैं, चार पेपर जो जीएस के हैं और पीटी के हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, थोड़ा स्पेशल स्पेशली उसको थोड़ा इंटेंसिवली बताया जाएगा, तो मैं समझता हूँ। और बाकी ऑप्शनल के लिए अलग सिलेबस है, जो जो आपके ऑप्शनल सिलेक्शन पे, आपने हिस्ट्री चुना तो उस सिलेबस को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जैसे हिस्ट्री चुना या सोशियोलॉजी या बॉटनी लिया या जूलॉजी लिया या फिजिक्स लिया, लेकिन नॉर्मली जो भी बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं या वो भी सोशल साइंस लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उससे आसानी से तैयारी हो जाती है। तो मकसद तो आईएएस बनना है, मकसद कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है उस सब्जेक्ट से आप आईएएस क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। यहाँ पे बीएससी की कोई बाध्यता नहीं है, बीए की कोई बाध्यता नहीं है, आपने बीए में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, इस बात का कोई रोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है, थैंक यू।